क्या आपको पता है मिराकल गार्डन में 120 अलग अलग स्पीशीज के 15 करोड़ से भी ज्यादा फ्लावर्स हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और जानें कि कौन से 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस गार्डन के नाम हैं। जीनी जीनी मुझे 10 दिन का और दुबई का ट्रिप करा दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरे भरे ब्लॉग के अंदर। आज हम जाने वाले हैं मिराकल गार्डन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इसको पहुंचने के लिए हमने मेट्रो ली है रेड लाइन पे और हम उतरे हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन पे। उसी के पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टॉप है। यहाँ के बस स्टॉप से हम 105 नंबर की बस लेंगे, जो कि हर 30 मिनट्स के अंदर आती है। मिराकल गार्डन जा रहे हैं उसका प्रतीत जरूर होता है, क्योंकि आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो इतनी हरी भरी है। ऑलरेडी आप समझ जाएंगे कि आप किसी बहुत ही मशहूर गार्डन के पास में आ गए हैं। मिराकल गार्डन एक ऐसी जगह है जहां आपको कई प्रकार के फूलों के नजारे देखने को मिलते हैं। ये खूबसूरत बगीचा दुबई के अलग अलग प्रांतों से आए हुए फूलों से भरा हुआ है। 12 साल से बड़ों का टिकट प्राइस है 75 दिरहम, यानी कि 1700 रुपए, और 3 साल से 12 साल के बच्चों का प्राइस है 60 दिरहम, यानी कि 1300 रुपए। अगर आपको भी इस खूबसूरत गार्डन का नजारा देखना है तो आपको टिकट खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो परगोला के अंदर इन्होंने छोटी छोटी छतरियां लगाई है सुंदर सुंदर कलर्स की, वो उसको और भी क्रिएटिव और तो और धूप से बचाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बनाया है। ये गार्डन इतना बड़ा है कि आपको पूरा देखने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस गार्डन की मेंटेनेंस के लिए रोज 7.5 लाख लीटर रिसाइकल पानी से इरिगेशन किया जाता है। मिराकल गार्डन का उद्घाटन 2013 में हुआ था, बहुत ही खूबसूरत दिन पे, जिसका हम सबको इंतजार रहता है, वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे किसके लिए होता है? लवर्स के लिए। इन्होंने लवर थीम के ऊपर बनाए हैं ये खूबसूरत दिल, कलरफुल रंगीन दिलों में से हम निकलते हुए जाते हैं और इस गार्डन का आनंद लेते हैं। मिराकल गार्डन सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक वीकडेज में खुला रहता है और 9 से शाम के 11 बजे तक फ्राइडे एंड सैटरडे को खुला रहता है, जो कि दुबई में वीकेंड कंसिडर किया जाता है। दुबई में आकर सबसे ज्यादा फेमस चीज जो होती है वो है परफ्यूम्स और इतर। यहाँ पर खुशबू के लिए लोग दीवाने हैं, बट मिराकल गार्डन में आकर ताजी नेचुरल फ्लावर फ्रेग्रेंस फील करने में एक अलग ही मजा है। इतने सुंदर कलर्स और इतनी अच्छी खुशबू बहुत ही रिलैक्सिंग और पीसफुल सा एटमॉस्फेयर बनाता है। अक्टूबर से मई तक मिराकल गार्डन खुला रहता है और बाकी महीने अत्यंत गर्मी की वजह से ये बंद रहता है। कला भी कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर बाल्टी से गिरता हुआ पानी को कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन में बनाया है। बाल्टी से पानी निकलने की जगह फूल निकल रहे हैं।
मेरे पीछे एमिरेट्स का एयरबस A380 एरोप्लेन देख रहे हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोरल इंसुलेशन स्ट्रक्चर है। इस पे स्ट्रक्चर पे अकेले 5 लाख से ज्यादा फूल लगे हुए हैं और इसीलिए इस प्लेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। क्योंकि एमिरेट्स की टिकट बहुत महंगी है, इसलिए मैंने सोचा मैं अपना ही एक वाहन ढूंढ लूं ताकि आज मेरा जुगाड़ हो जाए। गार्डन का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ फूलों और पत्तों से नहीं भरा हुआ बल्कि बहुत अच्छे सिटिंग एरियाज और खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, जैसे कि ये छोटा सा टनल जैसा एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और इतना सुंदर एमिरेट्स एरोप्लेन के व्यू के अंदर वो खाना एंजॉय कर सकते हैं। मेरे पीछे जो ये इंस्टॉलेशन देख रहे हैं ये सिर्फ कोई डेकोरेटिव फ्लावर मॉडल नहीं है, रादर ये एक वॉच है। जो घड़ी में टाइम मेरे अभी हो रहा है वही एग्जैक्टली उधर हो रहा है। अगर आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज मिकी माउस, मिनी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ी हुई है तो आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोरल कैसल है और जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इस टेडी बियर के नाम है जो कि इस पार्क को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। ये टेडी बियर कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियां और पत्तियों से बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। मुझे स्मर्फ्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो छोटे छोटे से ड्वार्फ्स कैरेक्टर ब्लू कलर के बड़े क्यूट लगते हैं। देखते हैं कैसा लगेगा अंदर। वाह!
काश मेरा भी ऐसा एक घर होता छोटा सा। सुंदर कलर्स आंखों को ऐसे कर देते हैं ना, मेरे को अपना बचपन सा ही याद आ गया। मुझे ये घोड़ों का बड़ा शौक है, मैंने बहुत फोटोज देखी हैं, और अगर हम इन घोड़ों से मिले बिना चले जाते तो जस्टिस नहीं होता। आओ रफ्तार का कोई रोक टोक नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ ऑलरेडी जुट चुकी है। ये एक ओपन एयर थिएटर है जहाँ पर एक शो किया जाता है बच्चों के मनोरंजन के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे खुश होंगे तो इस जगह को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप शाम के टाइम पे आइए और रात तक इसको सुंदर तरीके से फॉर्म होते हुए देखिए। सनलाइट की चमकती धूप से लेके यहाँ की आर्टिफिशियल लाइटिंग बहुत ही गजब। जीनी जीनी मुझे 10 दिन का और दुबई का ट्रिप करा दे। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत फोटो पॉइंट्स हैं, तो जरूर ध्यान रखिए कि आपकी फोन की मेमोरी बिल्कुल खाली हो, क्योंकि यहाँ पर आप फोटो लेते लेते थक जाएंगे बट आपका कैमरा नहीं थकेगा। जाने का मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर। जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिरेकल गार्डन जरूर आइए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट करके बताइए आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा।